भारत के खिलाफ चीन की चाल और पाकिस्तान की ढाल एक बार फिर नुमाया हुई है। भारत के खिलाफ अरब सागर और हिंद महासागर में मोर्चेबंदी की कोशिश में चीन ने पाकिस्तान को दोस्ती का वो तोहफा दिया है जिसे पाकर पाकिस्तान खुशी से फूला नहीं समा रहा है। चीन ने पाकिस्तान को अब तक का अपने सबसे अत्याधुनिक और विशाल युद्धपोत दोस्ती के तोहफे के रूप में सौंपा है। यह स्टील्थ वारशिप किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। चीन के शहर शंघाई में कमीशन सेरेमनी के दौरान इसे पाकिस्तान को हैंडओवर किया गया। आपको बताते हैं कि आखिर क्या खास है इस युद्धपोत में जिसे पाकर पाकिस्तान का दिल बल्लियां उछल रहा है और ड्रैगन भी अजीब मुगालते में डूब रहा है। दरअसल इस युद्धपोत का नाम PNS तगरिल है, जो कि पहला टाइप 054 स्टील्थ युद्धपोत है। इसे चीन का सबसे शानदार युद्धपोत माना जाता है। युद्धपोत के पास जमीन से जमीन, जमीन से हवा और समुद्र के भीतर से मिसाइल दागने की क्षमता है। किसी भी तरह के रडार से बच निकलने में यह स्टील्थ वॉरशिप सक्षम है। तकनीकी तौर पर आधुनिक युद्धपोतों में शुमार करता है। सर्विलांस की खूबियों से लैस है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की बड़ी खेप से लैस है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। युद्धपोत की हवाई रक्षा क्षमता सबसे बेहतर मानी जाती है। सेल्फ डिफेंस की आधुनिक क्षमता से लैस है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्धपोत कई तरह के नेवल वॉरफेयर मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। साल 2017 में चीन और पाकिस्तान के बीच 4 टाइप 054 युद्धपोत को लेकर समझौता हुआ। इस करार के तहत पहला पोत पिछले साल अगस्त में तैयार हुआ था। लगभग एक साल तक उसका समुद्री परीक्षण किया गया। चीन के हुडोंग जोगिया शिपयार्ड पर इस युद्धपोत का निर्माण हुआ। साल 2008 में इसे चीन की नौसेना में सबसे पहले शामिल किया गया था। इसका निर्माण CSSL यानी चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कराया है। पाकिस्तान को ऐसे ही 4 और अन्य युद्धपोत चीन से मिलने बाकी हैं। चीन ऐसे 4 स्टील्थ युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना के लिए तैयार कर रहा है। इस युद्धपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, जबकि चीन के पास ऐसे 30 टाइप 054 स्टील्थ युद्धपोत मौजूद हैं। चीन के कर्ज में पाकिस्तान गले तक डूबा हुआ है। चीन दोस्ती के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है और बदले में पाकिस्तान की जमीन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट एंड वन रोड योजना में चीन पाक कॉरिडोर अहम हिस्सा है। उधर पाकिस्तान ने चीन के साथ 7 अरब डॉलर की डील की है, जिसके तहत उसे चीन के आधुनिक हथियार मिल रहे हैं। चीनी स्टील वारशिप के आने से पाकिस्तान की नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होने की आशंका है, लेकिन पाकिस्तान इसके अलावा भी चीन से पनडुब्बियां खरीद रहा है। फोर्ब्स के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। ये पनडुब्बियां एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस होती हैं। इन पनडुब्बियों का पानी के नीचे पता लग पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पर बनी होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने तुर्की से 4 एडा क्लास कॉर्वेट खरीदे हैं। यह युद्धपोत एंटी सबमरीन वारफेयर जैसे मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यह सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस होते हैं। दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत का विश्लेषण करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक भारत के सामने पाकिस्तान की नौसेना कहीं नहीं ठहरती है। वेबसाइट के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का 4th सबसे शक्तिशाली देश है। भारत की हथियार खरीदने की क्षमता पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया में सैन्य ताकत वाले देशों में 10वें नंबर पर है। भारत के पास 285 नौसैनिक युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास केवल 100 युद्धपोत हैं। भारत के पास एक परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई परमाणु पनडुब्बी नहीं है। भारत के पास 16 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास केवल 9 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। बहरहाल सवाल यह है कि 1,00,000 की सेना के साथ सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी सेना मेड इन चाइना हथियारों से लंबी जंग कब तक लड़ सकेगी।